लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आखिरी वक्त जब मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपका चौचा शरीफ पहुंचे और जहां ये आपकी खानकाह है आज, जहां मजार मुबारक है, मीर शरीफ पानी का एक छोटा सा तालाब है, औलिया कामिलीन की एक जमात को ले जाकर आप मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह उस तालाब को कशाई यानी खुदाई हो रही थी और रिवायात में ये मिलता है कि हर कुदाल पर यह औलिया इकराम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और कुदाल मारते और उसके बाद वो पानी निकला जिसको आज नीर शरीफ कहते हैं। हजारों लाखों लोग उस पानी से आज भी शिफा हासिल करते हैं। दूसरी मशहूर रिवायत ये भी है कि उस नीर शरीफ में जमजम शरीफ ला करके भरा गया था और उसका पानी आज तक देखने में मैला कचेला गदेला दिखता है लेकिन आज तक ये मशहूर है। 808 हिजरी से 1442 हिजरी आज होने को आ रही है। इतने अरसे में हजारों लाखों लोग जिनको आसेब और जिन्नात परेशान करते हैं वो कचोचा शरीफ में हाजिर होते हैं, नीर शरीफ का पानी लेते हैं और सही सलामत अपने घरों पर वापस लौटते हैं। जिनको जिन्नात परेशान करते हैं वो मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में मुकदमा करते हैं। यहां जाहिर सी बात है मेरे घर पर किसी ने कब्जा किया, मेरी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प लिया तो कोर्ट कचहरी में हम केस करेंगे, लेकिन जिन्नात अगर कुछ करें तो कहां जाएं, ये कोर्ट वाले भी भाग जाएंगे, जिन्नात कौन छुड़ाएगा, ये अलग दुनिया है इनकी, ये अलग ताकत है। इसीलिए जिन्नात का भी जहां फैसला होता है वो कचोचा मुकद्दसा मखदूम सिमना की बारगाह है। बुजुर्गों ने बाज़ाब्ता लिखा है।